नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा, ये भारतीय टीम के सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी दिन बल्ले और गेंद दोनों से इन गेंदबाजों ने लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की जीत लिखी। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत ने इंग्लैंड को 272 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन अंग्रेज बल्लेबाज भारतीय बॉलिंग के आगे महज 120 रनों पर ही ढेर हो गए। आखिरी दिन भारत के गेंदबाजों ने किया सारा काम। मैच के आखिरी दिन के खेल की जब शुरुआत हुई तो इंग्लैंड को मैच में मजबूत माना जा रहा था। भारत ने महज 154 रनों की बढ़त ली थी, जबकि ऋषभ पंत को छोड़ उसके अलावा सभी प्रमुख बल्लेबाज आउट हो गए थे। दिन की शुरुआत में ही पंत भी जल्दी ही आउट हो गए। इसके बाद वो हुआ जो टेस्ट क्रिकेट में हर रोज नहीं होता। बल्ले से मोर्चा संभाला भारत के दो गेंदबाजों ने, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। इन दोनों ने अपनी बैटिंग से इंग्लैंड के गेंदबाजों को रुला दिया। एक वक्त पर भारत को 200 से कम के लक्ष्य पर आउट करने का प्लान बनाने वाला इंग्लैंड इन दोनों को नहीं रोक पाया। इन दोनों ने शानदार बैटिंग करते हुए 9वें विकेट के लिए 89 रन जोड़े और इंग्लैंड को 272 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दे दिया। लेकिन इसके बाद फिर से इन्हीं गेंदबाजों ने मोर्चा संभाला और इंग्लैंड को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। पहले दो ओवर में बुमराह और शमी ने इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को 0 पर वापस लौटा दिया। इसके बाद ईशांत शर्मा ने 16वें ओवर में हसीब हमीद और 22वें ओवर में बेयरस्टो को आउट कर इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दिया। आखिरी दिन चाय के समय तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गवा दिए और अब मैच में सिर्फ जो रूट भारत के सामने खड़े थे। चाय के बाद आते ही बुमराह ने रूट को आउट कर जीत की खुशबू दिला दी। इसके बाद जॉस बटलर आखिर तक अकेले लड़ते रहे, लेकिन 96 गेंदों का सामना करने के बाद उनका सब्र भी जवाब दे गया। इस तरह से इंग्लैंड की पूरी टीम दिन का खेल खत्म होने तक नहीं टिक सकी। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4, बुमराह ने 3, ईशांत ने 2 और शमी ने 1 विकेट झटका। मैच की शुरुआत की बात करें तो लॉर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन केएल राहुल 129 और रोहित शर्मा 83 ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर उनकी शुरुआत को खराब कर दिया। भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने तगड़ी वापसी की। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने नॉट आउट 180 रन बनाए और इंग्लैंड ने भारत के 364 रनों से 27 रन ज्यादा 391 रन बना दिए। मतलब कि इंग्लैंड की पहली पारी में 27 रनों की अहम बढ़त मिल गई। भारतीय टीम दूसरी पारी में खेलने उतरी और उसकी शुरुआत इस बार खराब रही। राहुल और रोहित दोनों ही सस्ते में आउट हो गए। कप्तान विराट भी नहीं चले, लेकिन चौथे दिन अजिंक्य रहाणे 61 और चेतेश्वर पुजारा 45 ने भारत की मैच में वापसी करवा दी। ये दोनों दिन का खेल खत्म होने से पहले आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत की बढ़त सिर्फ 154 रन की थी। 4 दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड की टीम मैच में आगे थी। सबको आखिर उम्मीद सिर्फ ऋषभ पंत से नजर आ रही थी। 5वें दिन की शुरुआत हुई और पंत जल्दी में रॉबिन्सन की गेंद पर वापस पवेलियन लौट गए। इसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने जो किया है वो इतिहास बन गया है। इस वीडियो के लिए रिसर्च की है विपिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।